कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वी कैन डू। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों के लिए आई शेडो के नए नए ट्रिक लेकर के आती रहूंगी, तो मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने ये वाला लुक लेकर के, ब्राउन स्मोकी आईज लेकर के, जो कि आजकल बहुत फैशन में है। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना आप लोगों को सिखा दूं। जी हाँ, ये भी विदाउट ब्रश मैंने आप लोगों के लिए आई शेडो जो है लगाया है। तो देखिए वीडियो कैसा है और सीखिए और घर पे ट्राई कीजिए। अपने अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ अच्छा लगा, और अगर कुछ और सजेशन हो मेरे लिए तो आप वो भी मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि ये कमी है या ये अच्छा है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरा वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आप पूरी तरीके से सीख पाएँ कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो पर चलते हैं और सीखते हैं ये वाला लुक। चलिए तो गाइस, सबसे पहले मैं ले रही हूँ टोनर। ये गुड वाइब्स का रोज़ टोनर है, बहुत अच्छा टोनर है, एकदम ग्लोई सी कर देता है स्किन को और बहुत अच्छा लगता है, आपके पोर मिनिमाइज़ करता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स की ही वाइन लाइटनिंग क्रीम है। ये बहुत अच्छी क्रीम है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए बहुत अच्छी क्रीम है। इसको बहुत अच्छे से अपनी स्किन पर लगा लीजिए। इसमें थोड़ी सी वाइन की महक है। अब इसके बाद मैं लगा रही हूँ अपनी ब्रोज को फिल करने के लिए शिवाना का कलर, और आँखों में मैं लगा रही हूँ हिमालय का काजल, बहुत लाइट सा। जब तक मैं अपना आई शेडो वगैरह करूँगी तो ये मेरे अपर आईलिड पे लग जाएगा। अब मैं लगा रही हूँ NYB का प्राइमर। प्राइमर लगाने से आपकी स्किन पे एक ब्लर इफेक्ट आता है और आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से लगता है, मेकअप काफ़ी देर तक टिका रहता है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे क्रिलॉन की टीवी पेंट स्टिक, और डायरेक्टली मैं इसे अपने फेस पे लगा रही हूँ और एक ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके इसको अपनी स्किन में लगा रही हूँ। मैंने कोई भी कंसीलर अलग से नहीं लगाया गाइस, मैंने डायरेक्ट यही लगाया है। और ये क्रिलॉन का ही पैनकेक है, जो वाटर बेस है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, और इसको मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है। ट्रस्ट मी गाइज, इसको लगाने के बाद आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये थोड़ी देर में ही अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। और मैं अपनी आई शेडो स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं बोन पे एक लाइट कलर लगा रही हूँ इस तरीके से। गाइज प्लीज़, लाइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि लाइट बार बार आ जा रही थी, तो इन्वर्टर की जो लाइट थी वो येलो इफेक्ट दे रही है, वैसे वाइट लाइट जल रही थी। तो दोनों बोन पे मैंने ये लाइट कलर लगा लिया है इस ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए, और एक ही लाइन पता चल जाती है कि यहाँ तक हमें अपनी कलरिंग करनी है। अब मैं ले रही हूँ ये रेड कलर, और रेड कलर से मैं अपनी पूरी आईलिड, जितनी भी ये आईलिड होती है ऊपर की क्रीज लाइन से ऊपर, ये पूरी ही आईज़ को मैं कवर कर लूँगी यहाँ पे, और बिल्कुल मैं राउंड करते हुए पूरी आईलिड पे इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आपको बहुत हल्का हल्का कलर लेना है और बहुत अच्छे से उसको राउंड करते हुए ब्लेंड करते रहना है। ये देखिए मैंने दोनों आँखों पर लगा लिया है और बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतना अच्छा ही कलर खिल करके आएगा और आपकी आँखों पर बहुत खूबसूरत लगेगा। पूरी आँख पर लगा लीजिए, और इसके बाद मैं ब्राउन कलर ले करके इसको करूँगी। दोनों आँखों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ, और ब्राउन कलर लेकर के मैंने जो हमारी जो आईलिड होती है, जो खुलती और बंद होती है, वो उस पर लगाया है मैंने। ये देखिए, ये कलर आप ज़्यादा लगा सकते हो क्योंकि हमें कम्प्लीटली ब्राउन शेड चाहिए, बहुत डार्क वाला ब्राउन, तो हम इसको ज़्यादा भी लगा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने इस तरीके से लगा लिया पूरी आईलिड पर। देखिए पूरी आईलिड पे लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से टैप 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 करके पूरे आँख पे मर्ज करूँगी कि बहुत अच्छे से मर्ज हो जाए, और इसको ब्लेंड करते रहना है गाइस, जिसमें कि ये इधर उधर ना फैले। ये देखिए मैं ऐसे गोल 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 करके इसको पूरा मर्ज करूँगी कि मेरा दोनों जो आई शेडो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, अलग अलग ना लगे कि हाँ बिल्कुल अलग से कोई ना आई शेडो मैंने लगाया है। वही मैंने लास्ट वाला जो ट्रिक है वही कीजिएगा, कॉर्नर ऑफ द आईज में फिंगर नहीं लगाना, आपको स्किन स्ट्रेच कर करके वहाँ तक कलर पहुँचाना है, आपको फिंगर वहाँ पे नहीं लगानी है। कॉर्नर जो आपका आईज जो नाक और आँख का जो कॉर्नर होता है वहाँ की बात करूँ मैं, इस कॉर्नर पे आपको नहीं लगाना है। देखिए मैंने पूरा ब्राउन कलर लगा लिया पूरी आँख पे। देखिए और कितना सुंदर कलर आया है। आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इसको और डार्क करो, लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए था तो मैं इसको और डार्क करूँगी, तो मैं इसमें और थोड़े से कलर ऐड करके इसको डार्क करूँगी जिसमें मेरी आँख का जो कलर बिल्कुल ब्राउन आए। ये देखिए मैंने ये वाला कलर लिया, इसको थोड़ा सा डार्कर शेड देने के लिए।
एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, बहुत अच्छा कलर निकल करके आया था। आफ्टर दैट हम इसको जो कॉर्नर है हमारे वहाँ पर वी बनाएंगे, लेकिन वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई गलती से और वो मुझे मिल नहीं रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपको बता दूँगी कि मैंने छोटी फिंगर से कैसे वी बनाया है। बाकी मैंने इसको भी फिंगर से ही बनाया, बहुत अच्छे से डेप्थ क्रिएट करते हुए मैंने यहाँ पर ब्लैक जो कॉर्नर है उसको ब्लैक कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से दोनों आपके कॉर्नर्स को मैंने ब्लैक कर लिया है, क्योंकि ब्लैक से ही हमें डेप्थ मिलेगी और जो भी एक्स्ट्रा जो गिरा है मैं उसको साफ़ कर ले रही हूँ। जो भी कॉर्नर आप भी इस तरीके से जैसे कॉर्नर जैसा भी कॉर्नर आप बनाना चाहते हैं, राउंड करना चाहते हैं, तो आप कॉर्नर हटा दीजिए। अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, नॉर्मल विंग आईलाइनर ही मैं लगाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत लंबा सा एक वी बना करके अपने आईशैडो का निकाला है, तो डेफिनेटली मैं उसको फुलफिल करने के लिए विंग आईलाइनर ही लगाऊंगी। अगर आप राउंड तरीके से लगाते तो आप विंग आईलाइनर स्किप कर सकते हो, फिर आप जैसा आप जो आपकी आँख की शेप है उसी तरीके से आप लगाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी आँख को लंबा बना रही हूँ तो मैं विंग आईलाइनर लगा रही हूँ और मैंने आई शेडो भी उसी हिसाब से लगाया। देखिए ये मैंने लगा लिया है विंग आईलाइनर दोनों आँखों में, एक आँख में आपको लगा के दिखा रही हूँ, दूसरी आँख में फिर मैं ऑफ द कैमरा लगाऊंगी, क्योंकि यार कैमरे पे ना विंग आईलाइनर लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आँख शीशे में देखना, फिर कैमरे में देखना, फिर शीशे में देखना, फिर कैमरे में देखना, तो बहुत मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने कर दिया, आप लोगों के सामने लगा लिया है आईलाइनर। तो अब मैं दूसरी आँख में ऑफ द कैमरा लगा करके आपके सामने अभी दिखाती हूँ कि दोनों आँख में लगा करके कैसा लग रहा है। इसके बाद आज मैं फॉल्सीज भी लगाऊंगी। ये मैंने लगाया है मस्कारा, मैंने कभी भी ऑन द कैमरा फॉल्सीज नहीं लगाई, तो मेरी फ्रेंड्स ने मेरे से कहा था क्या कि तुम फॉल्सीज भी लगा करके दिखाओ कैसे ना लगती हैं आँखें इसके बाद, तो मैंने कहा ठीक है मैं फॉल्सीज भी लगाऊंगी। तो अब मैंने दोबारा से लगा लिया है काजल, क्योंकि मुझे नीचे स्मज करना है। फ्रेंड्स आप भी ये टेक्निक बिल्कुल यूज़ करिए, आँखों में काजल लगाइए, जो स्मज ना होता वो लगाइए। मेरी आँखों से कोई भी काजल स्मज नहीं होता, इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग, मेरे पास ये क्रीम कॉन्टोर है, मैं इसी से कॉन्टोरिंग करती हूँ। ये बहुत अच्छा कॉन्टोर है और मैं पूरे फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। इसके लिए भी मुझे DM आया था कि आप कॉन्टोरिंग भी करके दिखाइए। बेसिकली मैं कॉन्टोरिंग करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहा गया था इस वजह से मैं कॉन्टोरिंग करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छे से सारे कट लगा लिए हैं अपनी नोज़ को और चीक्स को और जो ये हमारी जॉ लाइन होती है उसके और हेड पे, और ये मैं वाइटिंग जो वाइट कंसीलर होता है उसको, मैंने आईज़ के नीचे कुछ भी नहीं लगाया था गाइस, तो मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही लगाऊं क्योंकि नीड ही नहीं है। आप क्रेलॉन के जो स्टिक और पैनकेक यूज़ करते हो उसके बाद कुछ नीड ही नहीं रह जाती। आफ्टर दैट मैं डैप टैप करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कि कहीं पर भी कोई हार्श लाइन ना रह जाए। आपको भी इसी तरीके से अच्छे से इसको डैप टैप लेना, उसके बाद ब्रॉन्जर से आप इसको सेट कर लीजिए। वाइट पाउडर से सेट नहीं होगा, ब्रॉन्जर से सेट होगा, तो इसको हल्के ब्रॉन्जर से जिस हिसाब से भी आप कॉन्टोरिंग करना चाहते हो उस हिसाब की आप उस ब्रॉन्जर के कलर से इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। मैंने पूरे फेस पर जहाँ जहाँ लगाया था इसको बहुत अच्छे से ना मैंने उसको डैप डैप करके सेट कर लिया है। आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब अच्छा टाइम आपको देना भी है, क्योंकि ये अगर आपका अलग से दिखते रहेंगे तो आपका पूरा मेकअप ख़राब लगेगा। तो बहुत अच्छे से उसको सेट कीजिए, डैप डैप कीजिए। जितना टाइम आप मेकअप को अच्छे से सेट करने में देंगे आपका मेकअप उतना फ्लॉलेस होगा और उतनी ही देर तक चलेगा, और उतनी ही जैसे जैसे ये आपका मेकअप टाइम लेता रहेगा ना उतना चमकदार होगा, ना कि ख़राब होगा। मेरा मेकअप आज तक कभी काला नहीं पड़ा, बल्कि जितना लेट होता जाता है मेरा मेकअप उतना चमकदार होता जाता है, उतना ब्राइटन अप होता जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करती हूँ। जी हाँ, अब देखिए मैंने पूरे फेस की ब्लेंडिंग कर ली है। अब मैं थोड़ा सा इसको करूँगी अपने फेस को बेक, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर वाइट कंसीलर लगाया था वहाँ मैं हल्का हल्का पाउडर लगा ले रही हूँ, क्योंकि मेरी ही ऑयली स्किन तो मुझे पसीना थोड़ा ज़्यादा आता है, और उस हिसाब को देखते हुए बहुत हल्का से ही लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, हल्का हल्का। अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी लगा सकते हो। अब मैं ये ब्रॉन्जी शिमर कलर ले रही हूँ और इसको अपनी आईलिड जो हमारी आँख जो जहाँ तक ये राउंड राउंड होता है ना सेंटर जो होता है सिर्फ आपको उसी में ही लगाना है, आगे पीछे कहीं नहीं लगाना है। ये देखिए बस उसी राउंड पोर्शन पे लगाना है जो उठा हुआ पोर्शन होता है हमारी आँख का बस, और बहुत अच्छे से डैप डैप करते हुए आपको लगाना है, और ये इतना खूबसूरत लगेगा आप
जब लगाएंगे तब आपको पता चलेगा। और ये मैंने फॉल्सीज लगा ली है, आज मेरी फॉल्सीज एक ही बार में लग गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स आप भी फॉल्सीज लगाओ तो उसमें ग्लू लगा के कुछ सेकंड के लिए छोड़ दो, वो बहुत आराम से लग जाती है। अब मैंने सारा पाउडर जो मैंने बेक करा था वाइप आउट कर लिया है, सबको मैं वाइप आउट कर दूँ। मेरे एक ब्लश की भी वीडियो इसमें से डिलीट हो गई है, आई डोंट नो हाउ, तो वो भी नहीं है। मैंने ब्लश लगाया था, पीच कलर का मैंने ब्लश लगाया है क्योंकि आंखें काफ़ी मैंने ब्राइटन अप करी है, तो मैं ब्लश को थोड़ा सा लाइट ही रख रही हूँ, डार्क नहीं करूँगी। बहुत अच्छे से अपने पाउडर को वाइप आउट करने के बाद मैं अपने लोअर आईलिड को जो आईलाइन है उसको स्मज करूँगी। मैंने ये ब्राउन सा शेड, डार्क ग्रे सा शेड लिया और छोटी वाली फिंगर जो होती है आपकी उससे आपको अच्छे से स्मज करना है। आपकी आँखें बहुत खूबसूरत लगेंगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी बड़ी लगेंगी, जितना आप चाहते हो, बिल्कुल अरेबियन लुक आएगा आपकी आंखों का। आप इसको ट्राई करना गाइस, बहुत सुंदर। अब कॉर्नर ऑफ द आईज मैंने छोटे वाले फिंगर से लाइट वाला कलर लगाया है, बहुत अच्छी लगती हैं आईज इस तरीके से, बहुत सुंदर और बहुत खुली खुली लगती है। अगर आपकी आईज छोटी भी हैं लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से आप स्मज जरूर कर लीजिए, ऐसा नहीं कि आप फिंगर से लो यहाँ रख दो, बहुत लाइट कलर लेते हो आपको उसको बहुत अच्छे से स्मज। देखिए मैं ऐसे स्मज कर रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर क्योंकि ब्लश की वीडियो हो गई डिलीट तो वो मुझे मिल नहीं रही है, तो मैंने डायरेक्ट ये हाईलाइटर की वीडियो आपके पास आ गई है। मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर, बहुत अच्छा है, आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी शाइन देता है। तो जहाँ जो हाइलाइटिंग पॉइंट है मैंने उसको हाईलाइट कर लिया है और अब मैं अपना मेकअप करूँगी सेट। वेट एंड वाइल्ड का ये मेकअप फिक्सर है तो मैं उसी से अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ और ये है मेरा कंप्लीट लुक आप लोगों के सामने। प्लीज़ यार लाइट का बहुत इशू है तो बिल्कुल भी वो मत कीजिए कि काला फेस आ रहा है, गोरा फेस आ रहा है, क्योंकि लाइट का सारा पंगा है। तो देखते रहे मेरा वीडियो, कैसा लगा है कि बताएगा।